वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ दीज एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं इन एक्टिविटीज से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ द फर्स्ट एक्टिविटी इज, इसमें आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन हमने लिया है और मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। नाउ आपको ये मालूम है जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, बर्न कर रहे हैं मतलब दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, राइट? सो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सो क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। जब आप बर्न कर रहे हैं तो एक डार्जलिंग व्हाइट लाइट क्रिएट हो रही है, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे वॉच ग्लास में व्हाइट कलर का पाउडर पाउडर जो है दैट इज कलेक्टेड। सो व्हाइट पाउडर क्या है? इट्स अ व्हाइट ऐश जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, राइट? सो जब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहा है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म विच इज MgO, राइट? सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर दिस एक्टिविटी। अब देखिए, हमने रिएक्शन देख लिया है, इसको बैलेंस भी कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 Mg रिएक्ट्स विद O2, इट फॉर्म्स 2 MgO। अब ऑक्सीजन के भी दो हैं एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मैग्नीशियम भी बैलेंस्ड है। ऑल राइट, नाउ दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इसमें हीट भी रिलीज हो रही है। नाउ इस एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दैट इज व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। नाउ जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं उससे पहले उसको सैंड पेपर से क्लीन करा जाता है। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्योंकि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, जो कि बर्निंग को जो है वो प्रिवेंट करती है, रोकती है, रिजिस्ट करती है। सो उसको रिमूव करने के लिए, ताकि जो हम जो है वो सैंड पेपर यूज करके उसकी लेयर को रिमूव करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटा देते हैं मैग्नीशियम रिबन से, राइट? सो नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्टिविटी वन। लेट्स मूव टू एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू के अंदर हमारे पास है, इसको रीड करते हैं, टेक अ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ लेड नाइट्रेट, पहले आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 twice, राइट? एंड इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन कर रहे हैं। पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। सो जब इन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं सो हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? PbI2 प्लस KNO3 विच इज पोटेशियम नाइट्रेट। सो दिस इज लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ यहाँ पे एक चीज और आपको समझनी है कि जो PbI2 है यहाँ पे एक येल्लो PPT फॉर्म होता है। सो जब ये रिएक्शन होगा तो व्हाट इज दी ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। सो यहाँ पे दैट्स वाई मैंने ये एरो जो है वो डाउनवर्ड एरो रखा है, विच मीन्स येलो PPT इज फॉर्म। नाउ पोटेशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो देयर। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन विच इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे आयन्स का एक्सचेंज होता है। दो कंपाउंड्स आपको गिवेन है और आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यहाँ पे आपको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड ऑन द रिएक्टेंट साइड, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये पूछा जा सकता है आपसे ये किस तरह का रिएक्शन है, आई गिव एन इक्वेजन फॉर दैट। तो इक्वेजन हमने, रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया एंड दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ दीज वर द टू एक्टिविटीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एक्टिविटी। नाउ थर्ड एक्टिविटी सेज कि आपके पास, या आप फ्लास्क देख रहे हैं, या क्लिनिकल फ्लास्क के अंदर हमने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं। नाउ जिंक ग्रैन्यूल्स को हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स कर दिया है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको मालूम है, H2SO4 होता है, राइट? इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? जिंक के साथ। सो पहले इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। रिएक्शन इज जिंक यानी ZN रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा? ZnSO4, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो फॉर्म। सो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, तो हाइड्रोजन गैस के लिए अपवर्ड एरो हम डाल रहे हैं यहाँ पे। सो हाइड्रोजन गैस जो है उसकी वजह से कुछ बबल्स फॉर्म होंगे। सो ऑब्जर्वेशन में आप लिख सकते हैं दैट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी ऑब्जर्व। अब यहाँ पे जो ओवरऑल टेम्परेचर है रिएक्शन का, जब रिएक्शन हो जाएगा तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट रिलीज हो रही है, तभी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, राइट?
सो बिकॉज यहाँ देखिए आपके पास लिखा हुआ है टच द कोनिकल फ्लास ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इज देर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? सो आंसर इज येस, देर इज अ टेम्परेचर चेंज, दैट इज टेम्परेचर विल इंक्रीज हियर. सो इसके रिएक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए. यहाँ पे आप देखिए एक चीज और लिखी है, एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी देख लेते हैं. ऑब्जर्वेशन वुड बी सेम, रिएक्शन आपका या जिंक का HCl के साथ हो रहा है, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl. तो जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में, इट विल दे विल फॉर्म जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड. सो जिंक क्लोराइड इज फॉर्म. सो दिस इज अ रिएक्शन ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ एक्टिविटी. नाउ फोर्थ एक्टिविटी स्टेट्स दैट कैल्शियम ऑक्साइड आपने एक बीकर में लिया है, उसके अंदर आप स्लोली वाटर को ऐड कर रहे हैं, जैसे आप इस डायग्राम में या फिगर में देख रहे हो. नाउ कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर स्लोली ऐड किया है. नाउ टच द बीकर, दैट मीन्स आपको बताना है कि बीकर में ओवरऑल जो वॉर्म है या वैसा ही टेम्परेचर है कैसा है. सो दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही आप उसे टच करोगे, सो वो वॉर्म हो जाएगा बीकर, मतलब वहां पे हीट रिलीज हुई है रिएक्शन के बाद, राइट? दैट्स वाई टेम्परेचर विल इंक्रीज. तो अब कैल्शियम ऑक्साइड जो है, फॉर्मूला इज CaO. अब कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, दैट इज क्विक लाइम. सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2. इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, राइट? एंड हीट इज रिलीज. सो दैट मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दूसरा आपको ऑब्जर्वेशन में ये बताना है कि बीकर विल बिकम वार्म. नाउ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? हमने पढ़ा था पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, जिसमें जो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, राइट? सो इस केस में भी हमने देखा दो रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट क्या है? आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म प्लस हीट इज रिलीज, राइट? सो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज अ रिएक्शन फॉर दिस एक्टिविटी. नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ एक्टिविटी. नाउ फिफ्थ एक्टिविटी में आप देखिए, दिस सेज दैट आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए हैं. नाउ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स मतलब फॉर्मूला होता है Fe_SO4.7H2O. सो आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन याद होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके अंदर, दैट्स वाई वी आर एडिंग 7H2O टू इट. नाउ जब आप इसे हीट करते हैं, तो आपको कलर बताना है कि क्या बनता है. तो फेरस सल्फेट जो फॉर्म हो रहा है उसको, उसका कलर क्या होगा. नाउ जब हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है, नाउ दीज आर द क्रिस्टल्स, बिकॉज यहाँ पे हम H2O क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हीट कर रहे हैं सभी, मैंने यहाँ पे डेल्टा लगा दिया, दिस इज अ सिंबल ऑफ हीट. नाउ फेरस सल्फेट इज फॉर्म. सो ये जो कलर होता है, दिस इज अ ग्रीन कलर कंपाउंड, राइट? लेकिन जब आप इसे हीट कर रहे हो, सो ये जो है व्हाइट कलर का कंपाउंड बन जाता है, विच इज फेरस सल्फेट. लेकिन जब आप इसे दोबारा हीट करते हो फेरस सल्फेट को, जैसे मैंने अब नेक्स्ट लाइन पे जो रिएक्शन लिखा है, तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड आर टू काइंड ऑफ गैसेज विच आर फॉर्म हियर. लेकिन यहाँ पे कलर अभी व्हाइट है फेरस सल्फेट का, लेकिन जब आप इसे दोबारा हीट कर रहे हो, तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इन टू रेडिश ब्राउन कलर. सो Fe2O3 इज अ रेडिश ब्राउन कलर कंपाउंड, प्लस देर आर टू गैसेज विच इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो हीट हो रहा है यहाँ पे, हीट में डिकम्पोजिशन हो रहा है. आपके पास सिंगल प्रोडक्ट होता है, उससे आपको सॉरी सिंगल रिएक्टेंट होता है, एंड देन प्रोडक्ट इज फॉर्म. सो हीट की प्रेजेंस में हो रहा है ये, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो वॉट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और कलर यहाँ ग्रीन से रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो रहा है, राइट? सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन एंड द रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर. इसके अंदर देखिए आपको बता रहे हैं कि लेड नाइट्रेट लिया हुआ है, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और उसको फिर हम हीट कर रहे हैं फ्लेम के ऊपर. नाउ लेड नाइट्रेट पाउडर, लेड नाइट्रेट जो होता है फॉर्मूला इज PbNO3 2. तो आपको ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. उसके लिए आप एक वीडियो भी रेफर कर सकते हैं मेरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. नाउ PbNO3 2. नाउ PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट है. व्हेन यू हीट इट, क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आपके पास?
लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिलीज्ड. नाउ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो यहाँ रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से कुछ ब्राउन फ्यूम्स आते हैं रिएक्शन पे, जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट ब्राउन फ्यूम्स आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट? सो दीज आर द गैसेज दैट आर रिलीज एंड ब्राउन फ्यूम्स इज ऑल्सो फॉर्म्ड. सो दीज आर द ऑब्जर्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. अब आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर. इस एक्टिविटी में देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को शो किया जा रहा है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब वाटर में जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सो दैट गेट डीकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. सो वही रिएक्शन, वही एक्टिविटी उन्होंने इस एक्टिविटी के थ्रू, उसी चीज को, उसी प्रोसेस को इस एक्टिविटी के थ्रू दे आर ट्राइंग टू शो. नाउ यहाँ पे देखिए आपको जो एक्टिविटी का जैसे फिगर देख रहे हो, इस फिगर में क्या दिख रहा है कि एक जग लिया हुआ है, इसके अंदर इन्होंने यहाँ दो होल्स क्रिएट करे हैं और होल्स के ऊपर इन्होंने स्टॉपर लगा दिए, उसके ऊपर इन्होंने ग्रेफाइट रॉड को यूज किया हुआ है, ये जो ब्लैक कलर यहाँ पे दिखाया हुआ है. सो दीज आर द ग्रेफाइट रॉड्स. अब ग्रेफाइट रॉड्स क्या होती है? ग्रेफाइट रॉड इज नथिंग बट अ कार्बन. ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. सो अब ग्रेफाइट क्या है, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है. तो दैट मीन्स यहाँ पे ग्रेफाइट जो है हम क्यों यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि आपको मालूम है नॉन मेटल्स जो है वो तो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, बट फिर हम ग्रेफाइट क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज ग्रेफाइट जो होता है दैट इज एन एक्सेप्शन इन नॉन मेटल्स, और ये जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इफ इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसको हम इसीलिए एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं. ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, दैट इज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन व्हाई आर वी यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड. सो आप ये बताएंगे ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ सेकेंड थिंग यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑब्जर्वेशन क्या है. ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे यू कैन सी फ्यू बबल्स हेयर. यहाँ पे टेस्ट ट्यूब, ये जो है ये इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं जो कि हमने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रखे हैं. जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वॉट विल हैपन, देयर आर सम बबल्स क्रिएटेड हेयर, राइट? सो ये बबल्स क्या है, ऑन दी एक साइड पे आप देख रहे हो कैथोड साइड पे यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और इधर आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. अब जब आप टेस्ट ट्यूब को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे इतना गैप दिखाया हुआ है टेस्ट ट्यूब में, नीचे तो बबल्स हैं ऊपर इतना गैप है और यहाँ पे ये वाला गैप दिखाया हुआ है. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ गैस जो रिलीज हो रही है दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर दैट इज डिफरेंट, एक पे ज्यादा है और एक में कम है. तो जब आप रिएक्शन दिखाएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, वॉटर जो है दैट इज गेटिंग डीकम्पोज इंटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो दैट इज, दिस इज हैपनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर दिस एक्टिविटी. एंड यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्या रेशियो है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा रिलीज हो रही है देन ऑक्सीजन. अब जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, तो आंसर विड बी नो, हाइड्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, राइट? नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं दैट टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स. अब बर्निंग कैंडल को जब आप फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, तो आपको मालूम है बर्निंग कैंडल के पास जब हाइड्रोजन को गैस को लेके जाते हैं तो क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन जो है वो पॉपअप साउंड क्रिएट करती है, राइट? सो यहाँ पे वो चीज होगी, पॉपअप साउंड विल बी क्रिएटेड. एंड जब आप सेकेंड टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो उसको कैसे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कैसे डिटेक्ट होगा, थ्रू बर्निंग कैंडल. वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, बर्निंग कैंडल की जो फ्लेम है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगी बिकॉज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कम्बशन, राइट? सो दैट मीन्स जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें दैट ऑन ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल व्हाट विल हैपन, तो ये दो चीजें आप बता देंगे कि जब हाइड्रोजन के पास जाएगी देन अ पॉपअप साउंड इज क्रिएटेड, जब ऑक्सीजन वाली उसके तरफ लेके जाएंगे दैट शोज दैट ब्राइट कलर हो गया फ्लेम का, राइट? सो दैट मीन्स ऑक्सीजन का प्रेजेंस है वहां पे. ऑल राइट, सो नाउ वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड हियर इज विच गैस इज कलेक्टेड इन डबल अमाउंट. सो आप बताएंगे हाइड्रोजन इज कलेक्टेड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2:1 का रेशियो होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी सेज दैट आपको 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है सिल्क चाइना डिश के अंदर, उसका कलर क्या है आपको बताना है. अब चाइना डिश में आप जब सिल्वर क्लोराइड लेंगे और सिल्वर क्लोराइड को जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हो सनलाइट उसके ऊपर पास हो रही है, तो जब हम सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, AgCl. जब AgCl को आप
रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का इनिशियल कलर क्या होता है? व्हाइट होता है, लेकिन जब आप इसे डिकम्पोज करते हो, मतलब जब इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, तो दिस चेंजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो क्लोरीन एक गैस है एंड सिल्वर का जो कलर हो जाता है सिल्वर क्लोराइड का, दैट टर्न्स ग्रेइश व्हाइट। तो ऑब्जर्वेशन इज कि कलर चेंज हो रहा है ग्रेइश व्हाइट टू ग्रेइश व्हाइट में, कलर चेंज हो रहा है फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? अब ये एक तरह का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन आपको पता है जो रिएक्टेंट है वो सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके अंदर, एक एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो हमें दिख रहा है कि डिकम्पोजिशन है, लेकिन किस तरह का डिकम्पोजिशन है? लाइट की प्रेजेंस में होता है, तो उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, राइट? सो द रिएक्शन दैट यू हैव टू शो हियर इज द दिस रिएक्शन, और ऑब्जर्वेशंस आपको दो बतानी है यहाँ पे। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन विच इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक्टिविटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ फिगर के अंदर, इसमें हमने एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है विच इज CuSO4, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, जैसे आप यहाँ टेस्ट ट्यूब में देख रहे हो। तो कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डिप किया गया है? आयरन नेल को डिप किया गया है। अब उसको 20 मिनट्स तक रखा जा रहा है एज पर द एक्टिविटी। 20 मिनट्स तक जब आप उसको रख रहे हो, तो उसके बाद क्या हो रहा है? दे आर आस्किंग कि उसके बाद क्या रिएक्शन होगा। अब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हुए हैं, हमें मालूम है कि जब भी कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसका मतलब कॉपर एक एलिमेंट है, दूसरा आयरन को प्लेस कर रहे हैं, तो हमें किस किस का रिएक्शन दिखाना है? आयरन का रिएक्शन दिखाएंगे विद कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4, क्या बनेगा? ये बनेगा FeSO4। क्यों बन रहा है FeSO4? बिकॉज जो आयरन होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, जो आयरन होता है वो ऊपर प्लेस्ड होता है, कॉपर नीचे प्लेस्ड होता है, दैट मीन्स आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये क्या करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से और खुद वहां आ जाएगा, राइट? तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर इज सेपरेटेड, राइट? सो ये कलर क्या हो जाएगा, कलर वुड बी दिस विल चेंज टू ब्लू टू ग्रीन कलर, राइट? तो कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था तो ब्लू कलर का सोल्यूशन था, जब फेरस सल्फेट सोल्यूशन या आयरन सल्फेट बन गया तो ये ग्रीन कलर हो गया। तो पहली ऑब्जर्वेशन हो गई कलर चेंज की। इसमें हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए इस फिगर के अंदर, यहाँ पे जो आयरन नेल पहले ऐसा था, रिएक्शन के बाद उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, राइट? क्योंकि उसमें कॉपर डिपॉजिट हो गया, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का आयरन नेल हो गया है। तो ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। इस एक्टिविटी के बारे में पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज द 10th एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर देखिए यहाँ पे आपको बताया है कि सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इन एन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, उसके बाद दोनों को मिक्स करना है। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, और बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। अब इन दोनों को रिएक्ट कर देते हैं, तो बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट तो क्या बनता है? बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, राइट? इसको बैलेंस कर देते हैं, दिस विल बी 2। नाउ ये बैलेंस हो गया, SO4 है, सोडियम 2 हो गए हैं, बेरियम हो गया है, ओके यस, सो दिस इज अ बैलेंस। नाउ यहाँ पे पहली चीज किस टाइप का रिएक्शन है? अब देखो दो तरह के कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेकिंग प्लेस, दैट मीन्स दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके पास बेरियम जो है वो प्लस का होता है, एंड दिस इज माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, प्लस माइनस, सो दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ आयन इज टेकिंग प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, जो बेरियम सल्फेट बन रहा है ये एक वाइट PPT है। व्हाइट पीपीटी मतलब एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो एक व्हाइट कलर का सॉलिड क्रिएट हो जाएगा इस रिएक्शन के बाद। सो ये आपके को ऑब्जर्वेशन में बताना है दैट व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म ड्यू टू BaSO4 विच इज बेरियम सल्फेट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर विच इज
कि यहाँ पे आपने एक चाइना डिश लिया है, चाइना डिश के अंदर आपने क्या लिया है, यहाँ पे आप ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर देख रहे हैं, जिसको जो कि कॉपर पाउडर है। तो अब आप जब इसे हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद क्या हो रहा है, दैट मीन्स कॉपर का रिएक्शन है। अब जब हीट कर रहे हैं दैट मीन्स उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो बन क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। अब यहाँ जो कलर था, एक्चुअल कलर था कॉपर का, वो रेडिश ब्राउन कलर था, लेकिन जब हम उसे हीट कर देते हैं तो उसके ऊपर एक लाइनिंग बन जाती है, विच इज ऑफ ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर, ब्लैक, सॉरी ब्लैक कलर की लाइनिंग बन जाती है ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, मेन ऑब्जर्वेशन, दैट कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश ब्राउन टू ब्लैक, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको मालूम है कि हमने दो टर्म्स पढ़ी हुई है, वन इज ऑक्सीडेशन एंड अदर वन इज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन हट रहा है दैट मीन्स दैट इज रिडक्शन, राइट। सो दिस इज रिमूवल, लेट मी राइट इट हियर, दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कॉपर के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे कॉपर ऐड हो गया, राइट, सो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिड्यूसिंग एजेंट हियर। अब हमने पढ़ा हुआ है पहले कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो भी सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो यहाँ क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कॉपर, कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, इस रिएक्शन का आपको मालूम होना चाहिए इस एक्टिविटी के लिए, एंड व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन दैट शुड बी क्लियर टू यू। सो दीज वर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द चैप्टर नंबर वन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड एनी डाउट्स यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।